Assalamualaikum friends, welcome to our channel Ikra Abbas Korea. Welcome है जी आप लोगों का हमारी new video में. इस video में हम थोड़ा सा different आप लोगों को बताने लगे हैं, जिसके बारे में आपको मेरे husband साहब बताएंगे. असल में अभी तक तो जो भी था ना, हम लोग teasers पे या trailers पे reactions बना रहे थे किसी song पे. तो आप हमने सोचा कि यार जो मूवीज आ गई हैं आने के बाद, जब उसके लोग सिनेमा में उसपे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा उसको रिस्पांस दे रहे हैं, उन वीडियोस का क्या बनाया ना, क्या बना है? आ गई हैं उसको क्या रिस्पांस पब्लिक की तरफ से उसका. तो चले इस जो मूवी पे बात करने वो है जी पठान. तो ऐसा करते हैं कि साथ साथ लोगों का रिस्पांस देखते हैं. कुछ वीडियोस आई हैं नेट पे कि जिसमें कि वो दिखा रहे हैं कि लोग कैसे सिनेमा हॉल में बिहेव कर रहे हैं, वो करते हैं साथ साथ इसके बारे में बात डिस्कशन करते हैं. तो जी ये तो है जी लोगों का रिस्पांस सिनेमा हॉल में. वो गाना जो सबसे फेमस सबसे गाना है, तो उस पे कैसा चल रहा है? ठीक है, सबसे फेमस उसका गाना. हाँ, असल में इस मूवी को अगर देखा जाए तो ये मूवी का जो बजट था, जिसपे पैसे लगे, वो 250 करोड़ लगे थे. और जो पठान नहीं लोग लगातार जो हो रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसा. बिल्कुल सही कह रही हो, ऐसे ही ज्यादा पब्लिक आई है ना, लोग सही मतलब क्रेजी हुए हैं ना इस टाइम उसकी मूवी आने के बाद. तो ये सैन में आउटा अंदर लोग इतना पॉपुलर बना. बिल्कुल लास्ट का उसका स्टेप ही बहुत अच्छा है, देखो उसने डिफरेंट उसने किया. चलो हां, लोग देखे कैसे, दुनिया भी बहुत ज्यादा ना. हां जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेनली जो इसके सॉन्ग्स है ना, जो अभी तक मैंने सुने, मुझे खुद पर्सनली इसके सॉन्ग बहुत ज्यादा आपको एनर्जी देने वाले लग रहे हैं, जो कि पूरी आवाम में उसकी जो सामने देखने वाले व्यूअर्स थे वो सब कुछ हो जाता है. डायलॉग नहीं कहता कि जी पेटी बांध ले, मौसम खराब होने वाला है. तो मुझे लगता है कि इसने ना इंडिया के अंदर ना पूरा ना सिनेमा और बॉलीवुड का वो जो पिछले लूट लिया, पिछले काफी अरसे से ना वो नीचे जा रही थी ना इंडस्ट्री इंडियन बॉलीवुड की, तो वो ऊपर जाना शुरू हो गई सलमान खान, शाहरुख खान की वजह से ना, शाहरुख खान की वजह से. तो ये था. और इस मूवी का अगर देखा जाए ना, अभी तक अगर इसका जो रिकॉर्ड आ रही है इन्फॉर्मेशन, इस मूवी में जो टोटल बजट लगा था 250 करोड़ लगा था. 250 करोड़ और कहा जा रहा था कि ये एटलीस्ट अगर 300 करोड़ तक जाए तो ये थोड़ी सी प्रॉफिट में आना शुरू होगी. और जो पंडित लोग थे इस मूवीज के, जो होते हैं जो काफी टिप्पणीज देते हैं, वो कह रहे थे कि जी ये नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि शाहरुख खान की पिछली 2-3 मूवीज भी ऐसे नहीं हुई ना, अच्छा बिजनेस नहीं कर सकी. हाँ, तो ये भी नहीं होगी, ब्लॉकबस्टर नहीं होगी. लेकिन इस मूवी ने तो पकड़ के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं. पहले दिन के अंदर ही ऑल ओवर द वर्ल्ड 120 करोड़, और आई थिंक अगर इंडिया में अकेले में देखा जाए तो 70 करोड़ पे इसका ग्रोस हुआ था. दूसरे दिन में भी तकरीबन इन्होंने कोई करोड़ों की बात है, करोड़ों की 100 करोड़ और इंडियन करोड़ इंडियन रुपीज में, और पाकिस्तानी वो शूट कर देते. और दूसरे दिन में भी इसने काफी अच्छा बिजनेस किया. दूसरे दिन में आई थिंक ये 250 पे पहुंच गई थी संडे पे, सॉरी फ्राइडे पे. और इसका जो फिर था वीकेंड आ रहा है, तो ये तो अब तक मुझे लगता है कि अभी तक तो ये 400 करोड़ तक पहुंच गई. सारे रिकॉर्ड पिछले तोड़ दिए संजू के, पद्मावती, ये वो जितनी भी इंडिया की वो मूवीज आ रही हैं वाली जो मतलब उनकी ये सब कर उसका रिकॉर्ड तोड़ दिए. सेकेंडली आप लोगों को याद होगा जो मैंने रिएक्शन वीडियो दी थी इसके बारे में पठान, मैंने ऑल द बेस्ट कहा था शाहरुख खान को, तो उसकी इतनी वीडियो जो है मूवी जो है वो हिट हो गई. लेकिन है. एक बात है कि अगर तो ये मूवी में जो कमियां रह गई है ना, ये शाहरुख खान ने वो पूरी कर देनी है. जो उसकी मूवी आ रही है ना जवान, जवान हाँ, वो मुझे लगता है उसने 1000 करोड़ अगर लग रहा है किसी को कि ये नहीं तोड़ पाएगी तो उसने तोड़ देना. और अगर वो ना तोड़ पाएगी तो उसकी जो तीसरी मूवी आ रही है ना डंकी, उसने तोड़ देना. यानी कि मुझे लग रहा है कि ये अभी तो पठान ही कह रही है कि बताओ जी कौन सा रिकॉर्ड है जो तोड़ना है. और अगली जो होंगी वो तो मुझे लग रहा है कि इससे भी बेहतर से बेहतर लग रही है शाहरुख खान. पता लेकिन मुझे सॉन्ग्स जो है ना बेसिकली इसके बहुत ज्यादा मजे के लग रहे हैं, जो आप में काफी एनर्जी क्रिएट करते हैं. और शाहरुख खान फिर एक दफा ना फिर वही बॉलीवुड किंग बन गया और बैठ गया अपनी कुर्सी पे इस फिल्म के किंग खान, एसकेआर खान. तो इसके साथ ही करते हैं अपनी वीडियो का इख्तिताम, अपनी वीडियो को एंड करते हैं. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस, शेयर विद योर फ्रेंड्स. अल्लाह हाफिज, बाय बाय, बाय बाय.